ये है मेन मंदिर पशुपतिनाथ, हमको याद रहेगा यहाँ पे आए थे। हाँ, एक सेकंड ठीक है, थैंक यू, जय शंभु। सब अप्रिसिएट कर रहे हैं भाई, हम लोग लखनऊ से बाइक लेके आए थे यहाँ, थैंक यू ब्रो। फाइनली वी आर इन काठमांडू। काठमांडू लद्दाख बोलने जा रहे थे। हम पांचों पांडव आ गए हैं पशुपतिनाथ मंदिर। किसी को क्या ही पता चलेगा, लद्दाख बोल देता हूँ। अभी यहाँ से एंट्री हो रही है अंदर। अबे भाई अभी गए थे अंदर पशुपतिनाथ मंदिर में, हम लोग एंटर कर रहे हैं। और ये गेट दिखाना, वो देखो, भगवान की दया से हम लोगों की ट्रिप हो गई, सफल हो गई भाई। हर हर महादेव। सच्ची सच्ची इतने सारे व्यू दिखे फाइनली इन पशुपतिनाथ। गाइस कितनी बार कहे हम ये चीज। अंदर फोन फिलहाल अलाउ नहीं ऐसा पता चला है, लेकिन लॉकर अंदर है, बैग सारा लॉकर में रखेंगे, उसके बाद हम लोग जाएंगे दर्शन करने। अनुराग की हालचाल ब्रो, थकान लग रही? बिल्कुल थकान लग रही, रत्ती भर नहीं लग रही, खाली ये थोड़ा सा दर्द हो रहा है। अरे यार होता तो चलो चलता है, कोई भी बाइक होगी तो उसपे जब तुम थ्रोटल दोगे तब वो दर्द करेगा। दो बकचोद साथ में आ रहे, दोनों एक ही बकचोद, जो सबसे बड़ा ये पीछे है नी, पीछे ये भाई। गार्डन देखो कितना सही है, ये गार्डन नहीं है, जादू। ये पता है अंदर टेंपल के अंदर कोई गार्डन जैसा है क्या है पता नहीं, अंदर चलो टेंपल पे दर्शन करते हैं, क्योंकि उन्हीं की वजह से आप आए इतनी दूर। और क्यों आए अभी हम ये भी बताएंगे, हम क्यों आए हैं। चलो 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 आ रहे हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव। ऐसे मैनेज कर रहे हैं पूरा सामान, ऐसे हेलमेट टंगा हुआ है बैग पे, बैग टंगा हुआ है हम पे, हम टंगे हुए हैं भगवान के भरोसे। नहीं हाँ होती है भाई ये भाई, लेकिन हमको पता नहीं क्यों चेहरे से एड़ी लग रहा है। ऐसे बहुत सारा सोना पड़ा मिलेगा यहाँ पे। अबे एक इतनी अच्छी फीलिंग आ रही ना कि हम लोग आ गए, सच में है, वही तो भरोसा नहीं हो रहा। ना पानी है मेरे पास है, मतलब हम लोग वाकई में आ गए। और सबसे बड़ी चीज, अभी बाइक चलाया ना तो अभी ब्रेन फिर से नहीं मैनेज कर पा रहा है चलें कि ऐसे रुके, हम ऐसे ऐसे फिर से हो रहे हैं। इधर मार्केट है, इधर मार्केट है, रुद्राक्ष वगैरह जैसा हर मंदिर पे होता है वैसा यहाँ पे भी है। थैंक यू ब्रो। हाँ वो कह रहे थे वेलकम टू नेपाल, तो मैंने बोला थैंक यू ब्रो। लोग बंजारा लग रहे हैं, बंजारा बंजारा। ये कूद लोग जो कूद के नेपाल। अबे ऐसा ऐसा लग रहा, ऐसा लग रहा देवी पाटन टहल ले। खुल गया गाइस देवी पाटन, खुल गया ब्रो देवी पाटन, खुल गया देवी पाटन। हम लोग गए थे, तुम गए थे साथ में? हाँ हम गए थे, ऐसा ही था बिल्कुल, गया था। दिव्यांत कुमार है, ये है नेपाल का झंडा, नेपाली ये, लेकिन फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। गद्दारी कर बे, नेपाल में है फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, कहना गद्दारी करेंगे। गद्दारी कर बे, श्री श्री चुन चुन नाथ अखोरी बाबा, शायद वो मंदिर है ना, ये मंदिर का शायद यही है मंदिर। बजरंग बली हर कहीं है, बजरंग बली है साथ में, शिलाजीत की जरूरत नहीं है। चलो अंदर मंदिर। हाँ थैंक यू थैंक यू। लॉकर किधर? चलिए वहीं रख देंगे हम, अब आप इतनी देर बोले हो तो वहीं रख देंगे। नहीं हम सब बजरंग बली के भक्त हैं, हम भी जगह नहीं है। अबे सब अप्रिसिएट कर रहे हैं भाई, हम लोग लखनऊ से बाइक लेके आए तो यहाँ बहुत ठीक बड़ी बात। हाँ लॉकर का ऑप्शन है, लेकिन हम लोग यहाँ पे रखेंगे खाली आंटी के प्रेम की वजह से, इसलिए नंबर मंजू नाम है, आपको कुछ गड़बड़ नहीं होगा, मोबाइल पर्स निकालिए और सब रखिए। ओके ओके। हम लोग कल चले थे रात में 3 बजे, कल नहीं परसों 3 बजे, कल तो सो रहे थे। हाँ नहीं परसों 3 बजे कल स्टे किया है, फिर आज सुबह मॉर्निंग में फिर निकले। जय श्री राम, जय श्री राम। सर फोन अलाउ नहीं है, अगर अंदर वीडियोग्राफी करते हम पकड़े गए तो 2000 रुपए इंडियन, और क्या था, दो घंटे के बाद फोन मिलेगा। मंदिर स्टार्ट होता है, हर हर महादेव। अभी प्रसाद ले लिया है और अब जा रहे हैं, दिया विया जलाएंगे उसके बाद अंदर जाएंगे।
केदारनाथ जाने के बाद पशुपतिनाथ जाना होता है, तब बोलते हैं कि वहाँ के दर्शन पूरे हुए, तो इसलिए हम लोगों का प्लान बना था यहाँ पशुपतिनाथ आने का। ये है कुछ मंदिर के बाहर का, अंदर बहुत बड़ा मंदिर है। हम पागल तो नहीं लग रहे? सत्यम शिवम सुन, सब पागल लग रहे हैं, सब पागल हैं महादेव के प्यार में। सत्यम शिवम सुंदरम। अबे वो पेड़ देख, पेड़ देखो भाई कितना सही लग रहा। ये है मेन मंदिर पशुपतिनाथ, भगवान भोले का ये दरबार यहाँ से शुरू होता है। इसके बाद हम फोन नहीं यूज कर पाएंगे। दुनिया की सबसे सस्ती शादियाँ ना यहाँ होती हैं, नेपाल की मोस्टली शादियाँ यहीं पे होती हैं। भाई और क्या, कोई खर्चा नहीं है अपने यहाँ, कितना खर्चा है, 10-10 लाख रुपए घुस जाता है। हो गए भाई हम लोग एकदम, हम लोग 2 मिनट बाद मंदिर बंद हो गया, भगवान की कृपा थी, इतनी दूर हम लोग आए थे जो हम लोगों का दर्शन हो गया। अब ये पीछे पूरा गार्डन है, तो वो जो पीछे शिखर जैसा दिख रहा है ना, रुको दिखा रहे हैं, ये जो शिखर दिख रहा है ये मेन मंदिर का है, वो जो पीछे दिख रहा है वो शिखर मेन मंदिर का है, और बाकी बहुत बड़ा मंदिर, ये सब गार्डन है पूरा, और यहाँ पे शादियाँ होती हैं। 3:30 बज गया है और हम लोगों को पहुंचना है 6, 6:30, 7, 8 बजे, 8 बजे तक हर हाल में चितवन पहुंचना है यहाँ से, तो बस यहाँ से खींचेंगे। ये इधर शंकराचार्य मठ टाइप का है, बहुत सारे छोटे छोटे से मंदिर है, उधर भी मंदिर है, लेकिन मेन मंदिर वो अंदर था जो हम लोग दर्शन करके आए। कुछ अजीब कर लिया है ना, कर लिया भाई, कर लिया, बहुत अच्छा फील आ रहा है अंदर से। आना आना सब आना, दिल एकदम भाग भाग हो गया, दिल एकदम गार्डन गार्डन हो गया, भाग भाग हो गया। कुछ चेंज करते हैं, हमको याद रहेगा यहाँ पे आए थे। मेरी तरफ से आप, एक सेकंड ठीक है, थैंक यू, जय शंभू, नमस्ते नमस्ते। पानी दिया, खाने को दिया, एक बात बोलो, ये कहीं भी जाइए आंटी जैसा व्यवहार नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। शादी करिए, बेटी है, बेटी है, बेटा है, अब हम जा रहे हैं वरना लेट होगा, ठीक है, नमस्ते, थैंक यू। चलो अब यहाँ से बस फुर निकलेंगे। भाई दवा इसमें, यहाँ पे हम लोगों ने प्रसाद लिया था ना, वहाँ से ये रुद्राक्ष का ब्रेसलेट दिया वो आंटी ने। अब जब सब हो गया है तो अब यहाँ से निकलेंगे चितवन के लिए, चितवन में स्टे करेंगे आज रात। तो फिलहाल अभी तो खाली यही एम है कि 120 किलोमीटर कैसे भी करके दिन दिन में निकल चलना है, और लाइफ में जो सुकून चाहिए ना भाई वो ये टांगे ऊपर करके सोना है, बस ऐसे सोना है जिंदगी में। जल्दी आओ, कहाँ है पीछे सब, एक तो यार सबको मैनेज करना सबके बस की बात नहीं मेरे अलावा। मोहित, किसी दूसरी सिटी में ब्लॉग करना कितना इजी है ना, ऐसे मस्त ब्लॉग कर रहे हो कि चाहे जो है कोई फर्क नहीं भाई, ऐसे ऐसे मोहल्ले वोल्ले में निकलते ना ऐसे ब्लॉग करने, तो 4 आदमी ऐसे इधर कोई से कोई मतलब नहीं, देख भी रहे तब भी अपने अंदर कोई टेंशन नहीं।
ये कॉन्फिडेंस बाराबंकी में लाना है। लाइफ में बस इतना चिल करना है, पैर वैर आगे करके बैठा है भाई। वो वाला देखियो एक जो म्यूजिक सुन रहा होता है। अबे हाँ, कान में हेडफोन लगाए रहा सुन रहा है। वही है, मर गया है क्या पीछे वाला? नहीं मरा नहीं, वो खजवा रहा है। चलो अच्छा निकले। कह रहा तुम अपनी बिरादरी के नहीं हो, तुम कुत्ते हो, हम बंदरों की सुनते हैं।